समझाओ। बेटी बचाओ, बेटी 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 नहीं चलेगी। बेटा जरा हो जा रहा हूँ समझाओ। बेटी बचाओ, बेटा समझाओ। बेटी बचाओ, बेटा समझाओ। बेटी बचाओ, बेटा समझाओ। बेटी बचाओ, बेटा समझाओ। सेव द सेरिया, 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 सेव द सेरिया। प्रियम भैया Save the nation! Save the daughter! 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 Save the nation!
Demon! Justice! Demon! Justice! Demon! Justice! Demon! Justice! Demon! Justice! Demon! Justice! Demon! बेटा समझाओ, बेटा समझाओ, बेटा समझाओ, सुरक्षा नहीं मिलती हर एक फीमेल के लिए मार्च है। चल रहा है भाई दोस्तों, आप देख सकते हो शिप्रा मॉल तक कैंडल मार्च पहुंच चुका है। मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं चल रहा है। जस्टिस एक नारा जो बहुत ज्यादा चलाया है कि वी वांट बेटी बचाओ बेटा समझाओ, ये नारा आप देख ही सकते हो वीडियो के माध्यम से। मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाऊंगा, कल भी मैं गया हुआ था, आज भी मैं गया हूँ और काफ़ी भीड़ और काफ़ी सुविधा और काफ़ी सारे डॉक्टर्स हमारे साथ आए हुए हैं, देख ही सकते हो। तो ये हम शिप्रा मॉल से यू टर्न लेके दोबारा स्वर्ण जयंती पार्क पर जाएंगे। स्वर्ण जयंती पार्क से हमने चालू करी थी कैंडल यात्रा और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और सिर्फ एक ही कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। देख सकते हो आप, सिर्फ एक ही चीज़ हकीकत में बहुत ज़्यादा हो रखा है, इस टाइम इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो आप शिप्रा मॉल के पास खड़े हैं, हम देख सकते हैं आप शिप्रा मॉल के चौराहे पे। आए होश में, आए होश में, आए होने में, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम आ गए हैबिटेट सेंटर पे। आप देख सकते हो कि हैबिटेट सेंटर के सामने खड़े हैं। होश में आओ, होश में आओ, लापरवाही नहीं चलेगी, तानाशाही
आज ये मार्च कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि घटनाएं पहले कभी जीवन में हुई नहीं। घटनाएं हर कुछ वर्षों में एक ना एक ऐसी विभत्स घटना सुनने को मिलती है जिससे कि पूरा का पूरा राष्ट्र कांप जाता है, उसकी रूह कांप जाती है। किंतु उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारा पूरा तंत्र है, जो हमारा प्रशासन है, जो वहाँ पर इस घटना को देख रहा है, जिनके ऊपर इस घटना की जिम्मेदारी है, उन लोगों की जितनी संज्ञा शून्यता है, जितनी उनकी भाव शून्यता है, उसने हमें उद्वेलित किया है। जिस तरीके से वो हम लोगों को समझते हैं कि सड़क पे रहता हुआ कोई भी महिला, सड़क पे रहते हुए कोई भी इंसान, उसके अंदर किसी भी तरीके की उसकी गैरत नहीं है, वो आवाज़ नहीं उठा सकता, ये आवाज़ उनके अगेंस्ट। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी है जो इस प्रोटेस्ट के अंदर है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से सब लोगों से, कृपया इस इंसिडेंट को एक अकेला इंसिडेंट न समझें। इस तरह के मल्टीपल कितने सारे इंसिडेंट्स आए दिन होते रहे हैं। इनफैक्ट इसके होने के बाद भी कितने सारे इंसिडेंट्स के होने की रिपोर्ट आ रही है। समय है आज हम सब लोग एकजुट होकर मिले और अपने समाज का निर्माण खुद करें। हमें डिसाइड करना है कैसा समाज हमें चाहिए। बहुत पहले दिनकर जी कह गए थे, जो हमारे राष्ट्रकवि रह चुके हैं, उन्होंने कहा था, समर कहता है कि व्याघ्र के अपराध ज़रूर गिनेगा समय, लेकिन समय उनके अपराध भी गिनेगा जो चुप रह गए। चुप रहने का समय नहीं है, आगे आने का समय है, बोलने का समय है। अपनी बेटियों, अपने डॉक्टरों, अपने आप को बचाने वाले लोगों के साथ खड़े होने का समय है। अपना समाज हमें स्वयं निर्माण करना है, हमें स्वयं मिलके बनाना है। इसको साथ में जुड़िए, इस मुहिम को छेड़िए, आगे फिर दोबारा कभी ऐसा ना होने पाए, कभी दोबारा ऐसा फिर ना होने पाए। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर युवराज शर्मा हैं जो इसके अंदर मुहिम के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं। आप डॉक्टर साहब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सभ्य समाज से, सिविक सोसाइटी से, खासतौर से महिलाओं से, कि बंगाल में तो जगन्नाथन हुआ ही है निश्चित रूप से। ये तो एक उदाहरण है। आप किसी भी प्रदेश में, पूरा देश यदि देख रहा है, तो किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश के हिस्से में या शहर में हैं, सबको प्रतिकार करना चाहिए। वहाँ तक तो मैसेज जाता ही जाता है। आपके प्रशासन को, बलात्कारियों को, जिनकी बुरी मंशा है, उन लोगों को वो डरते हैं। तो सबको पूरे तरीके से पुरजोर विरोध करना चाहिए और एकजुट होकर के सामने आना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा थैंक यू। सभी जगह ये सिचुएशन हो सकती है। धन्यवाद। ये जो घटना हुए हैं, इससे पहले भी इस तरह की घटना हुए, लेकिन ये बंगाल में उसी आरजी कौर में जो घटना हुए, उसके बाद ममता बनर्जी और उनके जो कार्यकर्ता है, उन लोगों के द्वारा जो जगन्नाथ अमन और भी आचरण किया गया, वो भी एक अपने आप में एक दृष्टांत रह जाएगा भविष्य के लिए। ये इतिहास उन्होंने बना दिया, ममता बनर्जी, ये जघन्य काम का एक इतिहास बनाए उन्होंने, जो सारे देश के लिए जो हम लोगों को लज्जा जाना है। दूसरा ये है कि हम लोगों को इसी वजह से इसमें प्रोटेस्ट में सबको आना चाहिए, ताकि इस प्रोटेस्ट इतना फैल जाए ताकि जो हमारे आइन जो बनाते हैं, जो लॉ मेकर्स है, जो MP है पार्लियामेंट में, इसके लिए एक शर्त के साथ कानून हो, और सिर्फ कानून नहीं, वो लॉ को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उसके ऊपर सब चर्चा करें कि इस टाइप के अपराध को जो है 15 से 20 दिन में इसके लिए सजा होना चाहिए, तब जाके आगे जाके ये लोग बंद करेंगे ऐसे का। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ हैं मंडल के महामंत्री अनिल कटारिया जी। कटारिया जी, आप कुछ अपने विचार रखिए। देखिए, ऐसा है, ये जो घटना हुई है ये इतनी निंदनीय है, जिसकी जितनी ज़्यादा मतलब इसकी जितनी ज़्यादा निंदा करी जा सके उतनी कम है, और ये असहनीय है बिल्कुल। और इसके लिए भारत क्या पूरी दुनिया के लोगों को ऐसी घटना की निंदा करनी चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि भारत की बेटी के साथ हुआ और भारत में बेटी को पूजा जाता है हमेशा से ही। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ की जो सरकार है, उसने इसमें पहल करनी चाहिए थी बंगाल सरकार को, इसमें तुरंत कार्रवाई करके उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन जो अभी नहीं उठाए गए हैं। तो मैं भारत सरकार और केंद्र सरकार से इस मामले में विनती करना चाहूँगा, और समस्त भारत की जो महिलाएं हैं, महिला शक्ति हैं,
और सभी लोग इसमें एकत्र हों और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और ताकि जल्दी से जल्दी इसके विरुद्ध एक ऐसा कानून पारित हो सके कि ऐसे ऐसे विभत्स लोगों को, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को ऐसी सज़ा मिले जो एक मिसाल के रूप में पेश हो और ताकि दोबारा से इस तरह की कोई घटना पहले से 100 बार सोच सके और हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जा सके। भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू। हमारे साथ हैं इंद्रपुरम मंडल के अध्यक्ष श्री हरमीत बख्शी जी, जिन्होंने इस कैंडल मार्च में विरोध प्रदर्शन के अंदर सारा ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें पार्टिसिपेट किया। आपका जो क्या विचार है इसके बारे में, जो आपने आज विरोध प्रदर्शन किया है, और आपके क्या विचार हैं सर? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय विपुल त्यागी जी और डॉक्टर युवराज शर्मा जी का हमारे पास कॉल आया और हमें सूचना मिली कि यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे डॉक्टर्स मिलकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, स्वर्ण जयंती के गेट से शुरू करेंगे। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि सभी यहाँ पहुँचें और बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बहनें, भाई सब मौजूद थे और हम सब ने मिलकर ये जो निर्मम दुष्कर्म और हत्याकांड हुआ है ममता सरकार के नाक के नीचे कलकत्ता में, और हमने उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की है हत्यारे के लिए, क्योंकि हमारी बहु बहन बेटियों को बचाने में जहां हमारी सरकार संकल्पित है, वहीं हम देखते हैं कि कई जगह पे ऐसी घृणित घटनाएं हो जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी, सारे नागरिक, सभी डॉक्टर सब मिलके इसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे दुष्कर्मियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। आज हमने विरोध प्रदर्शन निकाला है पूरे इंद्रपुरम के महत्वपूर्ण सड़कों पर, हमने घूमकर शिप्रा मॉल तक गए, स्वर्ण जयंती पार्क से, फिर वहाँ से वापस आए हैबिटेट सेंटर के सामने, और सभी नागरिकों ने भरपूर साथ दिया है क्योंकि सब चाहते हैं कि न्याय मिले, हमारी बहू बहन बेटियों को रक्षा मिले और न्याय मिले, और जो ममता सरकार है वो चेते होश में आए और कड़ी से कड़ी सज़ा दे इनको। ये जो उसके बाद में कुछ लोगों ने दोबारा अस्पताल में जाके जो विभंसकारी वहाँ पर तोड़फोड़ करी है, उन सभी को सज़ा मिलनी चाहिए। सब दोषी हैं और सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो मेन हत्यारा है उसे तो फांसी की सज़ा तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसी हम सबसे अपील है, ममता सरकार से अपील है, उन्हें होश में आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आप सभी को ये कहता हूँ कि इस विरोध में सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और होश में लाने का ममता सरकार को कोशिश करें। धन्यवाद। आज बड़ी संख्या में आपके साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे और बहुत सारे बुद्धिजीवी भी थे, और उन सब का भी बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन आपने देखा। क्या इस टाइप के विरोध प्रदर्शन जब तक सरकार उनको सजा नहीं देती हम और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? देखिए, पूरा देश आहत है। ये जो घटना हुई, एक बच्ची कैसे बाप और माँ मिल के पाल पोस के कितने नाजों से बच्ची को पालते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उस बच्ची का अपना कितना एक एम्बिशन होता है, क्या ख्वाब होते हैं। एक 30 साल की बच्ची जो अभी भी डॉक्टर बनी है, इतनी मेहनत करने के बाद में उसके जीवन को इतनी जल्दी ऐसे एक दुष्कर्मी ने अंत कर दिया। ऐसे आदमी को तो टेररिस्ट मानकर उसको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। पूरा देश आहत है, हर नागरिक आहत है, हर कार्यकर्ता आहत है, हर महिला, बहन, बहू, बेटी सब आहत हैं। जितनी जल्दी न्याय मिलेगा उतना अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आ गया था घर पे। जैसे कि कैंडल मार्च देखा आपने निकला, आज आधा हमारे जितने भी आदरणीय डॉक्टर हैं वो सब हमारे साथ थे। महिला डॉक्टर और जेंट्स सभी थे, और छोटे छोटे बच्चे कुछ एनजीओ के थे, हमारे मंडल के कुछ पदाधिकारी थे, कुछ कार्यकर्ता थे, सारे ही आपने देखे होंगे। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी संख्या थी, और सब में एक अंदर से गुस्सा था इस चीज़ को लेके कि इंसाफ चाहिए तो इंसाफ चाहिए। बाकी तो आपने वीडियो के माध्यम से देख ही लिया है दोस्तों, एक अलग अलग स्पीच लोगों की रही है जो मैंने ऐड करी है। छोटी सी क्लिप एक मैंने अपने डॉक्टर्स की और अपने मंडल अध्यक्ष की और अपने पदाधिकारियों की, तो वो भी मैंने ब्लॉग के अंदर ऐड करी है, वो आपने देखी है। तो दोस्तों, एक नारा मुझे बहुत अच्छा लगा, वो नारा था बेटी बचाओ बेटा समझाओ। ये आपने डायलॉग सुनाई था, डायलॉग कह रहा हूँ मतलब, सॉरी,
भले ये एक आपने सुना ही था लेकिन हकीकत है ये दोस्तों। अब थोड़ा सा सबको इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, अपने बच्चों को समझाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आगे चलकर बहुत दिक्कतें और बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अभी से अगर हम समझाएंगे तो आगे शायद ऐसी चीज़ें ऐसी दुर्घटना शायद हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये नहीं कहते कि हमारे बच्चे गलत है सही है कैसे, लेकिन एक संगत होती है जो माहौल को ख़राब कर देती है, तो उन्हीं चीज़ों से बचाना है। तो ये जो नारा था ये बहुत अच्छा नारा था कि बेटी बचाओ बेटे बेटा समझाओ, तो ये बहुत अच्छी स्पीच है। तो जो बोला गया डॉक्टरों ने आपने सुना भी है। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगे तो ब्लॉग शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँचनी चाहिए। आपने देखा होगा पूरे देश इस चीज़ के लिए लड़ रहा है कि एक सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए इसके लिए, तो बिल्कुल बनना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा दोस्तों। और हर साल दो साल तीन साल में ऐसे हादसे हमारे देश में हो रहे हैं और इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो एक कानून इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है बनना। ये वीडियो में भी आपको हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, तो ये चीज़ों पर बहुत फोकस करना है, ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छी लगे तो शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय दोस्तों।